हम और कितना वेट करेंगे मेरा, और कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? हम डायरेक्टली जाके कायरा को बोल देंगे दैट वी लव ईच अदर एंड हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, दैट्स इट। नहीं समझ, वो कभी नहीं मानेगी। पर तुमने तो कहा था कि कायरा बहुत समझदार है, और अगर वाकई ऐसा है तो आई थिंक वो हमारी फीलिंग्स को समझ लेगी। यू नो समर, आज से 10 साल पहले जब रजत की डेथ हुई थी, तब से कायरा और मैं ही एक दूसरे का सहारा है। एंड अकॉर्डिंग टू कायरा, हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। अगर उसे ये पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आई मीन रूठ जाएगी मुझसे, जो मैं नहीं चाहती। तो फिर करना क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ समर, कि कायरा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले उससे पहले ही, अगर तुम उसे पसंद आ गए तो। और ये सब कुछ होगा कैसे? नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा आपका गुनाह में फिर से स्वागत करता हूँ। मीरा ने तो ये भी मान लिया था कि अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी कायरा के लिए है, और उसे अपनी ज़िंदगी में और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मगर ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। ज़िंदगी हमें चौंकाती है, सरप्राइज़ देती है। मीरा के साथ भी वही हुआ था जब वो समर से मिली थी। दोस्ती से शुरू हुआ उसका और समर का रिश्ता कब प्यार में बदल गया ये उन दोनों को पता ही नहीं चला, और अब दोनों एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते थे, खासकर समर जो मीरा से शादी करना चाहता था। लेकिन मीरा की अपनी मुश्किलें थीं। एक जवान बेटी के होते हुए समर से शादी करना उसके लिए एक मुश्किल भरा फैसला था, लेकिन उसे किसी भी तरह कायरा को कन्विंस तो करना ही था, और उसके लिए उसने एक रास्ता भी ढूंढ लिया था। क्या था यह रास्ता, आइए देखते हैं। कायरा, कायरा बेटा आ जाओ, खाना लग गया। हाँ मॉम, 2 मिनट में आई। भूख नहीं लगी? लगी है। तो कायरा, मेरे एक ऑफिस कलीग है, समर नाम है उसका, ये अपने इलाके में ही रहता है। 2 दिन बाद उसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, ही इज लुकिंग आउट फॉर द फ्लैट। सो मैं सोच रही थी अपना ऊपर वाला जो कमरा है खाली उसे दे देते हैं कुछ दिनों के लिए, एक बार उसका फ्लैट मिल गया तो ही विल गो। व्हाट डू यू थिंक, शुड आई हेल्प हिम? पर मॉम, हम अनजान आदमी को घर में कैसे रहने दे? अनजान नहीं बेटा, आई नो हिम, आई टोल्ड यू ना, ही इज माई ऑफिस कलीग। तो मुझे लगा कि ही नीड्स हेल्प, तो हेल्प करनी चाहिए, दैट्स इट। पर मॉम, उसने आपसे ही क्यों हेल्प मांगी? मतलब किसी और से भी तो मांग सकता था। नहीं नहीं बेटा, उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी, मुझे तो दीक्षा ने बताया, उसने तो मुझसे पूछा तक नहीं। दीक्षा बोल रही थी तो आई थॉट आई शुड हेल्प, बट आई नो हम दोनों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू एडजस्ट विद समवन नॉट वेरी फाउंड ऑफ, बट ऑन द ह्यूमन ग्राउंड वी शुड हेल्प, दैट्स इट। बट इट्स ओके इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैं मना कर दूंगी, फाइन चलो। मॉम आपकी मर्जी। सो यू मीन आई शुड टेल हिम टू कम, राइट? ओके, गुड गर्ल, हमें ऐसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बैग में उठो। जाएगा
सो हियर वी गो। ये रहा आपका रूम। आई नो थोड़ा सा तुम्हारे लिए छोटा है, बट मैं इस कमरे से नहीं इस पूरी जिंदगी से तुम्हारे लिए एडजस्ट कर सकता हूँ। वो क्या रखा है? कायरा। वो कॉलेज गई है। 6 बजे तक रिटर्न आएगी। ओके। सो 6 बजने में वी हैव 4 आवर्स। यस वी हैव। उस रोहित के बच्चे का तो शक्ल देखने लायक हो गया था। हाँ ना, इस रोजे मिस ने तो पूरे कॉलेज में ऐसी दहशत सी फैला दी है कि अब हर बंदा ना अपना असाइनमेंट पूरे किया बिना इस कॉलेज नहीं आएगा। अब डर के मारे ही सही, लोग पढ़ाई तो करेंगे और सबके सब बैक बेंचेस ना एकदम से सुधर जाएंगे। हाँ। वैसे कल तू क्या कर रही है? कुछ प्लान नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, तो घर आ जाओ, हम चेस खेलेंगे। ठीक है, चल चल बाय। बाय, चल कल मिलते हैं। हाँ। हाय मॉम। हेलो बेटा। मॉम बहुत भूख लगी, आज क्या बनाया है? पास्ता प्रिपेयरिंग। हाउ वाज द डे? गुड। वैसे मॉम आज आपका कोई फ्रेंड आने वाला था ना? समर आ गए। वेट आई कॉल हिम। समर, समर। यस। अरे समर, जल्दी नीचे आओ। या समर। हाय कायरा। नाइस टू सी यू। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैंने खाना बाहर खा लिया होता। क्यों? मेरे यहाँ से बना नहीं खा सकते? ऐसी बात नहीं है, बट आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? इट्स ओके समर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और वैसे भी ना इंसान को खाने पीने के मामले में शर्माना नहीं चाहिए। सो हैव इट। सो तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, राइट? हाँ। व्हिच स्ट्रीम? साइंस। That's cool. So after 12th, क्या प्लान है करने का? MBBS के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। डॉक्टर? Nice. तो कुछ प्लान किया है, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहती हो? अभी तो फिलहाल 3 मुंबई के कॉलेजेस को एम कर रही हूँ, बट उसके पहले मुझे एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। So let's see. Saying something about colleges? No, nothing. कोई प्रॉब्लम है इस बंदे में? नहीं तो क्यों? तो फिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था? पता नहीं, होगा कुछ। एनीवे तुम जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत देर हो गई। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके, मेरा इंतजार, ठीक है जी। फिर आपका इंतजार इज ओवर नाउ। लेट्स गो। सच में हमारा इंतजार हो रहा था? यस। सीरियसली? यस सीरियसली। बिग लायर? नो आई एम नॉट। ओके सीरियसली? नो नो नो। सो टेल मी अबाउट द इंतजार नाउ। चेक, ये गया तेरा वजीर। अरे मैं वजीर को नहीं लाने वाली थी। नहीं नहीं, मैं तो सच में घोड़ा चलाने वाली थी। डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। ये रहा तेरा वजीर डब्बे में, और ये रहा तेरा घोड़ा। अब चल जहां चलना है। ले, मैंने अपना घोड़ा चला दिया। ओए, तू वहां क्या देख रही है? देख रही हूँ, तेरा घोड़ा तो इधर है। वो कौन सा घोड़ा है? वो भी इतना हैंडसम। तू धीरे बोलेगी, वो सुन लेगा। मगर वो है कौन? अरे वो अंकल मेरी मॉम का फ्रेंड है, ऊपर वाले कमरे में एक महीने के लिए रहने आया है। अंकल तू पागल हो गया क्या? उसकी बॉडी तो देख, उसकी बाइसेप, चेस्ट, उसके एब्स। उसे तो ना शुगर डैडी बोलना चाहिए। शुगर डैडी? तू ना पागल हो गई है, चुपचाप से चेस खेल। चेस खेल के क्या करूंगी? अब तो हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? छोड़ उसको, चुपचाप से चेस खेल। कितना हैंडसम है यार, मतलब इतने दिनों बाद इन आंखों को खूबसूरत देखने को मिला है। बस बस बस, इतना भी कोई खूबसूरत नहीं है, तेरी आंखों को ना धोखा हुआ है। हाय, ये धोखा इतना खूबसूरत है, मुझे धोखे में ही रहने दे यार। तू बस करेगी और ये जो फिल्मी डायलॉग माना बंद कर। मेरी माँ, अब खेलना स्टार्ट कर। लगता तुम दोनों को चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। हमें तो आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी? नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपको चेस खेलना अच्छा लगता है तो आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट।
ये सिपाही है, ये मुंह तोड़े तुम्हारा। नहीं 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 चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं कर रहा है। कौन चीटिंग कर रहा है? उस चीटिंग योर डॉटर? नो वे, कभी नहीं करेगी वो। आप कह रहा मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रही हूं, आई विल कम इन सम टाइम। ओके बाय बाय बाय, सी यू। यप। I'm really very much happy. Why? क्योंकि कायरा तुम्हारे साथ इतने अच्छी तरह से घुल मिल गई है। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझे डोर नॉक करना चाहिए था। योर बुक। शिट। तुम्हारे घर का कुछ हुआ समर? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। वैसे तुम चाहो तो जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। Am I right, बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल। कायरा, तुम इतनी रात गए? कम है?
कम कम।